हेलो एरियन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज हम मॉडर्न इडियम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अगस्त प्रस्ताव 1940। तो हमने जो पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कांग्रेस का क्या है, त्रिपुरी और क्या हरिपुर अधिवेशन बारे में काफी डिटेल पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव क्या था, अगस्त प्रस्ताव की शुरुआत कैसे हुई थी, और जो अगस्त प्रस्ताव की जो मुख्य बातें क्या क्या थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगस्त प्रस्ताव के बारे में। देखिए, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था, जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो जर्मनी के लगातार विजय से क्या हुआ, जब जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जर्मनी क्या लगातार विजय कर रही थी, तो ब्रिटेन क्या हार हो रही थी इसमें। तो यही देखते हैं कि जो जर्मनी की लगातार विजय से ब्रिटिश सरकार की, जो आपका ये ब्रिटेन जो ब्रिटेन में बैठी हुई सरकार है, ब्रिटिश सरकार के को क्या है, भारत के समर्थन की आवश्यकता प्रतीत हुई। तो देखिए, जैसे किसी भी युद्ध होता है, जैसे दो देशों के बीच युद्ध हुआ, तो अभी जैसे क्या आपका यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और रशिया का युद्ध चल रहा है, तो उसी समय क्या होता है, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय जो है ना, जर्मनी क्या है ब्रिटेन को लगातार हरा रही थी, और जो ब्रिटेन क्या हार का सामना कर रही थी, तो इस पर जो ब्रिटेन की सरकार ने क्या है, भारत की मदद लेना क्या है आवश्यक समझा। तो एक प्रकार से क्या है, जो ब्रिटेन है ना, भारत से क्या है अपनी मदद के लिए समर्थन मांग रही थी। तो यही पे देखिए, ब्रिटिश सरकार की भारत के समर्थन की आवश्यकता तो आवश्यकता प्रतीत हुई। और जो दूसरी तरफ है, जो दूसरी तरफ भारत में जो कांग्रेस है ना, जो भारत में कांग्रेस ने भी क्या है, शर्त की सहायता का प्रस्ताव किया। तो देखिए, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो भारत भी क्या है इसमें अपना क्या जो फायदा निकालना चाहता था, तो एक तरह से क्या ब्रिटेन क्या है जो भारत से अपना क्या मदद के लिए समर्थन मांग रहा था, तो क्या जो भारत में जो कांग्रेस है वो भी क्या है शर्त रख रहा था किसके ऊपर, मतलब जो आपका ब्रिटेन पर क्या है, कांग्रेस ने भी शर्त की आवश्यकता का क्या प्रस्ताव किया था। ओके, अब देखते हैं जो ये क्या क्या प्रस्ताव थे इन परिस्थितियों में, जो उस समय वायस राय थे लॉर्ड लिदगो ने क्या 8 अगस्त 1940 कब, जो इसी समय जो सेकंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, तो भारत में जो कांग्रेस था, तो उसी समय जो भारत का जो वायसराय कौन था आपका, लॉर्ड लिदगो ने 8 अगस्त 1940 को क्या है, या 8 अगस्त 1940 को क्या रियायतों, मतलब जो रियासतों का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। किसको प्रस्ताव प्रस्तुत किया, रियासतों का एक प्रस्ताव किया प्रस्तुत किया, किसने किया आपका, वायसराय लॉर्ड लिदगो ने 8 अगस्त 1940 को भारतीय रियासतों से संबंधित क्या है एक प्रस्ताव किया, जिसे क्या है एक अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ओके, अब देखते हैं जो ये अगस्त प्रस्ताव है इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। देखिए, अगस्त प्रस्ताव की जो मुख्य बातें क्या क्या थी, जो अगस्त प्रस्ताव के अंदर क्या क्या बातें थी, जो ब्रिटिश सरकार ने भारत के समक्ष जो कांग्रेस के बीच बीच क्या क्या अपने वायदे प्रस्ताव किए, कि जो अगस्त, तो इसी को क्या अगस्त प्रस्ताव के नाम दिया था। तो देखिए क्या क्या बातें हुई थी अगस्त प्रस्ताव में, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया, युद्ध के बाद प्रादेशिक स्वशासन, प्रादेशिक स्वशासन का क्या मतलब होता है, डोमिनियन स्टेटस, यानी युद्ध के बाद हम भारत को क्या है डोमिनियन स्टेशन प्रदान करेंगे, डोमिनियन स्टेटस प्रदान करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ बोला गया है युद्ध के बाद जो प्रादेशिक स्वशासन शासन आपका डोमिनियन स्टेटस देना ही क्या है, डोमिनियन स्टेटस देना ही आपका क्या ब्रिटिश सरकार का क्या है लक्ष्य है। ओके, ये ब्रिटिश सरकार का क्या है लक्ष्य है। ओके, ये किसने कहा था आपका, ब्रिटिश सरकार ने। ओके, तो क्या क्या था ब्रिटिश सरकार ने, युद्ध के बाद जो प्रादेशिक स्वशासन है डोमिनियन स्टेटस डोमिनेट हम भारत को क्या है देना ही क्या है ब्रिटिश सरकार का सबसे पहला लक्ष्य है। ये पहली बात होगी आपका अगस्त प्रस्ताव में। अब जो जो सेकंड देखते हैं हम इसमें जो आपका पहली बार, देखिए अब इसमें जो फर्स्ट टाइम आत्मनिर्णय के अधिकार को मानते हैं, मतलब जो सेल्फ है, सेल्फ निर्णय, मतलब जो आत्मनिर्णय के अधिकार को मानते हुए कहा कि जो युद्ध के बाद, जो क्या युद्ध के बाद भारत के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या आवश्यकता है, तो युद्ध के बाद जो भारत के लिए क्या है संविधान, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। संविधान बनाने के लिए क्या है आपका, भारतीयों की एक प्रतिनिधि संस्था का गठन किया जाएगा। तो फर्स्ट क्या है क्या पढ़ा हमने, युद्ध के बाद प्रादेशिक शासन ने डोमिनियन स्टेटस देने के लिए क्या है ब्रिटिश सरकार का सबसे पहला लक्ष्य था भारतीयों को। ओके, और दूसरा में क्या किया लोगों को, क्या है आपका आत्मनिर्णय, मतलब ये है कि युद्ध के बाद भारत के लिए, देखिए पहली बार क्या है, पहली बार आत्मनिर्णय के अधिकार को मानते हुए, सबसे पहली बार जो आपका आत्मनिर्णय के अधिकार को मानते हुए कहा कि युद्ध के बाद जो हम सेकंड वर्ल्ड वॉर जब फिनिश हो जाएगा तो भारत के लिए क्या है संविधान बनाने के लिए क्या है भारतीयों की एक प्रतिनिधि संस्था गठन किया जाएगा। किसकी प्रतिनिधि संस्था गठन किया जाएगा, एक भारतीयों की कमेटी, ने जो प्रतिनिधि संस्था कि हाँ भाई हमें आपको संविधान बनाने की इजाजत देते हैं, आप किस तरह से अपने संविधान का निर्माण करेंगे, इसके लिए क्या है जो ब्रिटिश सरकार ने क्या भारतीय संविधान बनाने के लिए एक प्रतिनिधि संस्था बनाने का गठन का वादा किया। ओके,
उसके बाद है तीसरा है आपका जो वायसराय की कार्यकारिणी, ये जो वायसराय है ना कार्यकारिणी का विस्तार, जो वायसराय की कार्यकारिणी विस्तार क्या मतलब है, जो वायसराय के जो भी सदस्य उसमें कुछ भारतीयों को भी स्थान दिया गया, तो यही पे क्या है कि वायसराय की जो कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे और क्या है इसमें अधिक भारतीयों को शामिल किया। मैंने वही बताया कि जो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद में है उसमें कुछ भारतीयों को शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से क्या है जो वायसराय की जो परिषद में जो बड़े बड़े बैठे हैं ऊपर अधिकारी उसमें हम क्या है कुछ भारतीयों को भी शामिल करेंगे। जैसे कुछ भी डिसीजन लेना होता है तो क्या है जो अंग्रेज बैठे थे वही डिसीजन लेते थे, लेकिन जो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद में क्या है कुछ भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा ताकि हाँ वो भी इस निर्णय में अपनी क्या है प्रमुख योगदान दे सके। ओके, उसका देख देते हैं युद्ध संबंधी मामलों पर विचार विमर्श के लिए। देखिए जो उस समय जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो युद्ध संबंधी जो विचार के लिए क्या है विचार विमर्श के लिए क्या एक युद्ध सलाहकार परिषद का क्या है निर्माण किया जाएगा। किसका निर्माण किया जाएगा, जो युद्ध से जो भी संबंधित नीति होती थी उसमें क्या है युद्ध सलाह के लिए क्या है एक निर्माण क्या है निर्माण निर्माण संबंधी क्या है एक गठन आयोजन किया जाएगा। ओके, युद्ध परिषद का निर्माण किया जाएगा जिसमें क्या है ब्रिटिश भारत एवं भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो इसमें कौन कौन सा प्रतिनिधि शामिल होंगे जो आपका युद्ध सलाहकार होंगे, तो कुछ ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि होंगे और जो भारत के क्या है कुछ ब्रिटिश भारत एवं क्या है भारतीय जो भारतीय रियासत थे ना जिसमें भारतीय रियासत में जो शामिल होते थे बड़े बड़े लोग, तो उसमें क्या है भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। किसमें भाग लेने के लिए, युद्ध संबंधी मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए एक युद्ध सलाहकार परिषद निर्माण किया जाएगा जिसमें क्या कुछ ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि और कुछ भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ओके, उसके बाद तीसरा देखते हैं चौथा देखते हैं अल्पसंख्यकों का ध्यान रखा जाएगा। अब यहाँ पे जो भी उस समय अल्पसंख्यक था उसका ध्यान रखा जाएगा एवं अंग्रेज सरकार क्या जो आपका अंग्रेज सरकार भारत में ऐसे किसी संविधान या किसी ऐसी संविधान या सरकार पर सहमति नहीं होगी। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और हम जो भारत में जो बन रहे संविधान जो भारत में अंग्रेज सरकार और भारत में ऐसे क्या जो किसी संविधान या सरकार पर सहमत नहीं होगी जिसे क्या अल्प वर्गों का समर्थन प्राप्त नहीं होगा। मतलब कहने का ये रीजन है कि जो अंग्रेज सरकार कहती थी कि हम अल्पसंख्यक को भी साथ लेकर चलेंगे और अल्पसंख्यक को भी साथ देंगे, तो हम भारत में जब बने कोई भी ऐसे संविधान में जिसमें अल्पसंख्यक लोगों का क्या है पूर्ण समर्थन ना हो तो हम ऐसे क्या संविधान का निर्माण करेंगे जिसमें अल्पसंख्यकों का ध्यान नहीं रखा गया। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट उद्देश्य। अब जो अगस्त प्रस्ताव थे उसे क्या क्या उद्देश्य थे, मतलब क्या क्या उद्देश्य थे, मतलब जो ये अगस्त प्रस्ताव चल रहा है ना इसमें क्या क्या उद्देश्य थे एक के बाद हम देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले युद्धकालीन संकट से निपटने के लिए सहयोग प्राप्त करना मात्र इसका उद्देश्य था। तो अगस्त प्रस्ताव क्या था, मतलब अंग्रेजों की तो एक ही पुरानी नीति है कि ये जो फूट डालो और राजनीति भी करते थे, तो एक प्रकार से क्या है ये भारतीय लोगों से क्या है सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। तो अगस्त प्रस्ताव यही है कि जो युद्ध संबंधी बातें हैं, तो जो युद्धकालीन संकट, तो उस समय क्या जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध में क्या है जो ब्रिटेन है ना क्या जर्मनी से लगातार हार रही थी, तो इस युद्धकालीन संकट से निपटने के लिए ही ना ये सहयोग प्राप्त करना क्या है मात्र इसका एक प्रमुख क्या है उद्देश्य था। इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग को अस्वीकृत कर दिया गया था। क्या किया था, पूर्ण स्वराज्य मतलब पूरी तरह स्वराज देना कि इसको अस्वीकृत देने अनएक्सेप्टेड कर दिया था। ओके, उसके बाद देखते हैं इसमें जो अल्पसंख्यकों को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया गया, किसको महत्व दिया गया इसका अगस्त प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों को जरूरत से ज्यादा अत्यधिक इंपॉर्टेंस दी गई। ओके, उसके बाद देखते हैं जिसका लीग ने आपका क्या है समय समय पर क्या फायदा उठाया, किसने उठाया आपका मुस्लिम लीग ने अल्पसंख्यकों के प्रश्न पर क्या है अंतिम निर्णय सरकार को सौंपा गया। तो अगस्त प्रस्ताव में क्या है अल्पसंख्यक को अत्यधिक महत्व दिया गया और क्या समय समय पर जो लीग गठन होती थी उसमें क्या जो अल्पसंख्यक का जो मेन मुद्दा था उसका निर्णय लेने का अधिकार क्या ब्रिटिश सरकार को सौंपा गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो इंपॉर्टेंस क्या क्या महत्व है अगस्त प्रस्ताव के। देखिए इसमें स्पष्ट प्रादेशिक स्वशासन यानी जो डोमिनिस्ट्रेशन का आश्वासन दिया गया था, किसमें दिया गया था अगस्त प्रस्ताव में, अंग्रेजों की तो एक ही प्रतिनिधि कि आप हमारी बात को माने आप हमारी सहायता करें युद्ध में तो हम आपको क्या पूर्ण क्या है डोमिनियन स्टेटस प्रदान करेंगे। ओके, बस ये
स्पष्ट क्या है, प्रादेशिक स्वशासन में क्या है, प्रादेशिक स्वशासन में डोमिनियन स्टेटस का आश्वासन दिया गया, क्या डोमिनियन स्टेटस का क्या आश्वासन दिया गया भारतीय को। और दूसरा देखते हैं इसमें भारतीयों के आत्मनिर्णय के अधिकार, मतलब जो स्वयं सेल्फ डिफेंस के जो अधिकार है, तो इसमें भारतीयों के आत्मनिर्णय के अधिकार को पहली बार आपका सरकार ने माना था। ओके, उसके बाद है वायसराय की जो कार्यकारिणी में भारतीयों को बहुमत रखा गया था। मैंने बताया ना आपको नेक्स्ट पीछे साइड बताया कि जो आपका बैक साइड बताया कि जो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद में क्या भारतीयों को क्या स्थान दिया गया था। ओके, बहुमत जिसको वे फॉरवर्ड मतलब जिसको इसका अंतिम उपहार मतलब सारांश क्या है इसका, तो अगस्त प्रस्ताव में कांग्रेस को से, तो इसमें क्या है जो अगस्त प्रस्ताव ने किन किन कारणों से क्या अगस्त प्रस्ताव को नहीं माना, तो वे फॉरवर्ड में हम इसका जो उपसंहार है क्या क्या बातें हुई थी इसके क्या एक संक्षिप्त सार लिखेंगे। तो अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। देखिए आप अगस्त प्रस्ताव में इन बातों का तो हुआ जिक्र, लेकिन कांग्रेस ने इसको क्या अस्वीकार कर दिया, तो कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। उसके बाद कहते हैं इसने क्या असंतोष क्या उसने क्या उसने किसने कांग्रेस ने क्या इसे असंतोषजनक माना और क्या भारत में तत्काल ही क्या है अस्थाई सरकार की स्थापना की मांग की। ओके, उसके मुस्लिम लीग ने जो समय इसका मेन मुद्दा था, तो मुस्लिम लीग ने भी अगस्त प्रस्ताव को क्या है अस्वीकार कर दिया। ओके, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की जो मांग है उसकी स्थापना के लिए कोई प्रावधान नहीं किया था। तो देखिए मुस्लिम लीग का तो एक ही मुद्दा था कि हमें एक अलग स्टेटस दिया जाए, तो वो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। तो जिस अगस्त प्रस्ताव में क्या है मुस्लिम लीग अगस्त प्रस्ताव में पाकिस्तान की कोई बात नहीं की, ना पाकिस्तान की मांग की कोई बात नहीं रखी गई थी, इसलिए क्या है मुस्लिम लीग ने क्या इसको अस्वीकार कर दिया। ओके, अब देखते हैं व्यक्तिगत, ये तो अगस्त प्रस्ताव खत्म हो गया। इसके बाद गांधी जी ने क्या किया व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है 1940 ना, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में क्या है गांधी ने क्या फासिस्ट ताकतों से लड़ रहे क्या फासिस्ट ताकतों से लड़ रहे हैं क्या ब्रिटेन आपका ब्रिटेन के सामने बड़ी समस्या खड़े किए बिना नैतिक दबाव के भारत को आजाद कराने के लिए क्या है अक्टूबर 1940 से क्या इन्होंने क्या इंडिविजुअल ने स्वयं ने व्यक्तिगत सत्य प्रारंभ की। जो सबसे पहले व्यक्तिगत सत्य बनाया वो कौन है विनोबा भावे, और जो दूसरे में क्या है पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है दूसरे सत्याग्रह बने। ओके, तो यह देखते हैं विनोबा भावे जो है आपका ये देख रहे हैं ना आपका विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही चुने गए और फिर क्या पंडित नेहरू बने। उसके बाद एक के बाद जो जब ये दोनों सत्याग्रह बनाए तो एक के बाद एक अनेक अनेक सत्याग्रह अनेक सत्याग्रही गिरफ्तार हुए और 20,000 सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए। और गांधी जी क्या है स्वयं आंदोलनकारियों के मार्गदर्शन के लिए, तो गांधी जी क्या है इसके जो आंदोलन की क्या मेन जो जड़ कौन थे आपका पंडित आपका क्या महात्मा गांधी जी थे। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया मार्गदर्शन किए जेल से बाहर रहे और यह सत्याग्रह सीमित उत्साह ही बढ़ा पाया। तो महात्मा गांधी ने क्या जेल से बाहर रखे इन्होंने सत्याग्रह की, तो इस तरह से क्या इन्होंने व्यक्तिगत सत्या प्रारंभ की गांधी जी ने अगस्त प्रस्ताव के बाद। तो आज की क्लास में हमने अगस्त प्रस्ताव बन रहा था, एक बार हम फास्ट रिवाइज करते हैं अगस्त प्रस्ताव 1940 सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय जो आपका जर्मनी की क्या है लगातार विजय से क्या ब्रिटिश सरकार को क्या है भारत के समर्थन की आवश्यकता महसूस हुई। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी यह शर्त की कि जो आवश्यकता का प्रस्ताव किया था कि जो इन परिस्थितियों में जो वायस राय थे ना आपका लॉर्ड लिलिंगो ने 8 अगस्त 1940 को क्या है अगस्त प्रस्ताव रखा। ओके, ये देसी जो रियासत थे वो एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे क्या अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है ओके, किसने रखा ये प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो ने 1940 में क्या है जो भारतीय रियासतों के समक्ष क्या एक प्रस्तुत किया एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम जाना है। जो अगस्त प्रस्ताव की जो क्या क्या मुख्य बातें हैं ये देखते हैं। युद्ध के बाद जो प्रादेशिक स्वशासन था मतलब डोमिनेंट स्टेटस देने ही ब्रिटिश सरकार का जो पहला लक्ष्य है। दूसरा में पहली बार के आत्मनिर्णय के आधार को मानते हुए कहा कि क्या कहा कि देखिए युद्ध के बाद जो आपके युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान बनाने के लिए क्या भारतीयों की एक प्रतिनिधि संस्था का गठन किया जाएगा। ओके, वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार कीजिएगा, इसमें अधिक भारतीयों को क्या है शामिल किया जाएगा। ओके, उसके बाद युद्ध संबंधी मामलों पर विचार विमर्श के लिए क्या है एक युद्ध सलाहकार क्या आपका एक जो युद्ध सलाहकार है ना वो परिषद का निर्माण किया जाएगा जिसमें क्या है आपका ब्रिटिश भारत एवं जो भारतीय जो आपका जो ना भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ओके,
उसके बाद जो अल्पसंख्यकों का ध्यान रखा जाएगा एवं अंग्रेज सरकार भारत में ऐसे किसी संविधान, क्या बोल रहे हैं, भारत में किसी ऐसे संविधान दया या सरकार पर सहमत नहीं होगी जिससे क्या अल्पसंख्यक वर्गों का ध्यान नहीं रखा गया होगा, ओके, जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों का समर्थन प्राप्त ना हो। ये कौन बोल रहा है, आपका ब्रिटिश सरकार ना, अंग्रेज सरकार। उसके बाद देखते हैं उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य थे, युद्धकालीन संकट, क्या आपका युद्धकालीन संकट से निपटने के लिए सहयोग प्राप्त करना मात्र क्या है, इसका अगस्त प्रस्ताव का प्रमुख लक्ष्य था, ओके। इसमें देखते हैं इसका उद्देश्य क्या, पूर्ण स्वराज्य की जो मांग है उसको अस्वीकृत कर दिया गया था। सेकंड में देखते हैं इसमें अल्पसंख्यक को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया गया, ये बातें थी। और क्या थे, जिसका लीग ने समय समय पर क्या है आपका फायदा उठाया और अल्पसंख्यकों को प्रश्न पर अंतिम निर्णय क्या है आपको सरकार को सौंपा गया, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम देखते हैं महत्व, जो इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो इसमें स्पष्ट प्रादेशिक स्वशासन का आश्वासन दिया गया था। मैंने बताया ना कि अंग्रेजों ने क्या डोमिनेंट देने का वादा किया था, तो इसमें स्पष्ट क्या प्रादेशिक स्वशासन देने का क्या है आश्वासन दिया गया, विश्वास दिया कि हम भारतीयों को इस युद्ध सेकंड वर्ल्ड वार के बाद हम क्या पूरी तरह से क्या है डोमिनेशन प्रदान करेंगे। इसमें क्या भारतीयों के जो आत्मनिर्णय के अधिकार को पहली बार सरकार ने माना, ओके। उसके बाद इस तरह है आपका वायस राय की जो कार्यकारिणी में भारतीयों को बहुमत रखा गया, ओके। उसका देखते हैं लास्ट, देखते हैं वे फॉरवर्ड में क्या है, अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया और क्या है उसमें इसने असंतोषजनक माना और क्या है भारत में तत्काल ही क्या है अस्थाई सरकार की स्थापना की मांग की। मुस्लिम ने भी क्या जो अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें जो पाकिस्तान की जो मांग है आपका जो पाकिस्तान की क्या पाकिस्तान की मांग की स्थापना के लिए क्या कोई प्रावधान नहीं था, ओके। उसके बाद देखते हैं, ये तो हो गया हमारा अगस्त प्रस्ताव खत्म। अब हम देखते हैं व्यक्तिगत सत्र का 1940। तो गांधी ने फासिस्ट डाकुओं से लड़ रहा है जो ब्रिटेन के सामने बड़ी समस्या खड़े बिना किसी नैतिक दबाव के भारत को क्या है आजाद यानी फ्रीडम कराने के लिए अक्टूबर 1940 से क्या व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया, ओके। और विनोबा भावे क्या है आपका प्रथम सत्याग्रही बने चुने गए। उसके बाद क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे क्या सत्याग्रही चुने गए, ओके बने। उसके बाद एक के बाद एक अनेक सत्याग्रह क्या है गिरफ्तार हुए और 20,000 सत्याग्रही क्या है गिरफ्तार हुए। और जो गांधी जी इस आंदोलनकारियों के मार्गदर्शन के लिए क्या है जेल से बाहर रहे और यह सत्याग्रह सीमित उत्साह ही बढ़ा पाया। तो ये था क्या सत्याग्रह। तो आज की क्लास में हमने देखा अगस्त प्रस्ताव, हम नेक्स्ट में देखेंगे क्रिप्स मिशन कैसे आया, क्रिप्स भारत में किसकी शुरुआत हुई। तो आज की क्लास बस इतनी, नेक्स्ट क्लास में और काफी अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री बन पढ़ेंगे। तो ये था आज हमारा अगस्त प्रस्ताव के बारे में, बस ये छोटा सा टॉपिक था। आप लोग को बस ये याद रखना है कि जो अगस्त प्रस्ताव की जो मुख्य बातें क्या क्या, तो अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या बातें हुई इसके बारे में आप लोग को एकदम ध्यान रखना है। तो वो ये बस अंग्रेजों ने क्या किया डोमिनेट हो गया, कार्यकारिणी का विस्तार हो गया, पहली बार आत्मनिर्णय के अधिकार को मानते हुए कहा कि युद्ध के बाद भारत की संविधान बनाने के लिए भारतीयों की एक प्रतिनिधि संस्था का गठन किया गया। बस ये 5-6 मोटी मोटी बातें जिसको आपको याद रखनी है और जिसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वे फॉरवर्ड है, बस यही है आपका अगस्त प्रस्ताव। तो आज क्लास में स्थिति, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या क्रिप्स मिशन के बारे में। ओके, बाय बाय, सी यू।